पीर दरगाह हवाई अड्डा जो प्रस्तावित है उसका विरोध में है, हवाई अड्डा यहाँ नहीं बने, और उसके साथ साथ यहाँ का जल जंगल जमीन कैसे बचेगा, यहाँ का पर्यावरण कैसे बचेगा, उसके विरोध में है। इतना जंगल कट रहा है, यहाँ पैसा एक्ट है, फिर भी यहाँ पर आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। अभी सड़क के किनारे किनारे आप देख रहे हैं, एकड़ों एकड़ में 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन लोग ले रहे हैं। ये क्यों इस तरह से हो रहा है? आज यहाँ पर SBTech रहने के बाद भी, हमारी सरकार होने के बाद भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी, हमारे मंत्री आदिवासी, और हमारे राज्य में, हमारी सरकार में आज ये सारा चीज आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए आज ये विरोध की मांग, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और खास करके ये हवाई अड्डा और ये बंदरगाह के नाम पर इतने गाँव जो उजड़ रहे हैं, हवाई अड्डे के नाम पर इतने गांव जो उजड़ेंगे, आखिर वो कहां जाएंगे? आदिवासी जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा, इसीलिए उसके अगेंस्ट में हम लोग ये रैली लेकर आए हैं। और हम लोग सरकार को आईना दिखा रहे हैं, और प्रशासन को भी हम लोग आईना दिखा रहे हैं कि कम से कम ये सब चीज बचे। हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हूँ, तो यहाँ हमारी सरकार में अगर कानून को ताक पर रख करके काम किया जाएगा तो क्या लोबी नबरा चुप बैठेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। हम सरकार में है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन हमारी सरकार में भी हमारी जमीन लूटी जा रही है, हमारे यहाँ जंगल लूटा जा रहा है। अरे जल जंगल की जमीन लड़ाई वाली पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज ये ट्रैक से बाहर हो गई है और यहाँ पर जल जंगल जमीन कट रहा है, रैयत की जमीन जो यहाँ SBTech की जमीन है, यहाँ पैसा एक अभी तक लागू नहीं हुआ, तो ये सारा मुद्दा है। यहाँ तो अभी बंदरगाह में कितने गांव उजड़ रहे हैं और हवाई अड्डा में उतर जाए, आखिर ये कहाँ जाएंगे? केवल आदिवासी की बात नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं जिसका खतियान है आज वो सारे लोग उजड़ रहे हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो? इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं कि यहाँ पर हमारा जमीन बचा हुआ रहे, हमारा अस्तित्व बचा हुआ रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।